जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी दौर के चुनाव, 7 जिलों की 40 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा, जम्मू उधमपुर, कठुआ और सांबा में वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की बात, पश्चिम एशिया के ताजा हालात पर हुई चर्चा। मोदी बोले, आतंकवाद के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं, भारत शांति बहाली के प्रयासों का समर्थक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस को राम और कृष्ण के लिए नहीं, वक्फ बोर्ड के लिए जमीन चाहिए। ये कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। हरियाणा में मतदान से पहले डेरा प्रमुख राम रहीम के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, चुनाव आयोग ने 3 शर्तों के साथ दी पैरोल को मंजूरी। अब हरियाणा सरकार लेगी आखिरी फैसला। मैसूरु जमीन घोटाले के आरोप में फंसी सिद्धरमैया की पत्नी लौट आएंगी 14 प्लॉट। सिद्धरमैया ने कहा, बिना झुके लड़ना चाहता था लेकिन पत्नी के फैसले का सम्मान। ईडी ने दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हरियाणा के पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज शाम 4 बजे, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को दिया राज्य माता का दर्जा, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। कांग्रेस और एनसीपी, शरद ने बताया चुनावी फैसला। मुंबई में आज महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह की बड़ी बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन, महायुति में सीट बंटवारे पर भी हो सकती है चर्चा। दिल्ली के कई इलाकों में 5 अक्टूबर तक लगी बीएसएन की धारा 163, पुलिस को मिले गड़बड़ी फैलाने के इनपुट्स, धरना और प्रदर्शन पर रहेगी फिलहाल पाबंदी।